नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, अपने समाज में ऐसी मान्यता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, किसी ज्वेलर का बेटा ज्वेलरी ही ज्वाइन करेगा, और साथ ही साथ ऐसे ही आर्मी ऑफिसर्स को भी लगता है कि अगर मैं आर्मी में हूं तो मेरा बेटा भी आर्मी में ही जाना चाहिए। तो ऐसा ही केस आया था दिल्ली हाई कोर्ट में। यहां पे जो आर्मी ऑफिसर थे उनको ऐसा लगता था कि मेरा बेटा भी आर्मी में ही आए, क्योंकि मेरी चार जनरेशन जो है अभी तक आर्मी में आई है और ये अब डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, मेरा बेटा भी आर्मी ऑफिसर ही बनना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से बेटा आर्मी में फिट नहीं हो पा रहा था। तो यहां पर हाईकोर्ट ने फाइनल फैसला क्या दिया था उस पर हम जानकारी लेते हैं, उसके बाद जानते हैं ये एग्जैक्टली केस क्या दाखिल किया था पिटिशनर ने। हाईकोर्ट ने यहां पे बोला है, पिटिशनर मतलब जो बेटा आर्मी का कोर्स करने आया था उसको मिलिट्री की लाइफस्टाइल सूट नहीं हो रही थी, उसके पापा के सपने जो है वो पूरे करने के लिए वो इधर फोर्सफुली आया था। देयर इज नो डाउट, हमें कोई शंका नहीं है कि जो बेटा है उसने बहुत स्ट्रगल किया है अपने पापा के सपने पूरे करने के लिए। हाईकोर्ट ने पापा को एडवाइस दिया है कि जो फादर है उन्होंने क्या करना चाहिए, अपने बेटे को फ्रीडम देना चाहिए ताकि वो जिंदगी के रस्ते चुन पाए, वो अपने जिंदगी में तरक्की कर पाए, जो भी वो चुने रास्ता उसमें वो तरक्की कर पाए, इसलिए पापा ने बेटे को फ्रीडम देना चाहिए। और ये बिल्कुल इंडियन आर्मी का उसका रास्ता नहीं है, बेटा इंडियन आर्मी में नहीं जाना चाहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पापा ने बेटे को फोर्स किया था और उसके कारण बेटा जो है वो आर्मी में आ गया था। लेकिन ये केस में जब हम जानकारी ले रहे थे तो हमें नजर आया कि बेटा जो है मतलब जो आर्मी कर रहा था उसने एक्चुअली आईएमए पे ही इल्जाम लगा दिए थे। तो आइए जानते कि क्या क्या इल्जाम थे। तो यहां पे फैक्ट नजर आ रहे हैं कि पिटीशन जो बेटे ने दाखिल किया था जो आर्मी कोर्स करने गया था उसने सबसे पहले लिखा है कि मैंने सीडीएस एग्जाम कंप्लीट करी थी, उसके बाद जो यूपीएससी सीडीएस एग्जाम लेती है वो कंप्लीट करी थी, उसके बाद मैंने इंटरव्यू भी दिया था, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी का इंटरव्यू देते हैं वो दिया था, मैंने मेडिकल फिटनेस भी किया था, और साथ उसके बाद मैंने आईएमए ज्वाइन किया था, इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन किया था 8 जुलाई 2017 को, क्योंकि मेरे को कमीशन्ड ऑफिसर बनना था। लेकिन मैं आईएमए में जरा भी खुश नहीं था क्योंकि मेरे पे रैगिंग होता था, मतलब बेटे ने बहुत ही सीरियस इल्जाम लगाए थे आईएमए पे, वहां पे मेरे पे रैगिंग होता था। 17 जुलाई 2017 से लेकर 26 जुलाई 2017 तक मेरे पे रैगिंग हुआ था और उसके कारण मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और मेरी ट्रीटमेंट भी की गई और मैंने उसके बारे में कंप्लेंट भी लिखी है। साथ ही साथ उसने ऐसा बोला है कि मेरे को घड़ी घड़ी रेलीगेशन के नोटिस आते थे। उसने ऐसा बोला है कि मेरा कोर्स है वो 2018 में ही कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन वो 2018 में कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मुझे रेलीगेट किया जाता था। रेलीगेट मतलब वापस से पुराने क्लास में ही रखा जाता था। मेरे पे ऑलमोस्ट 60 रेस्ट्रिक्शन आए थे, 60 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन उसके ऊपर आए थे, मतलब आर्मी ऑफिसर जो है उसको घड़ी घड़ी सजा देते थे, ऐसा उसने बोला है, और आर्मी ऑफिसर उसके ऊपर शो कॉज का नोटिस डालते थे कि मुझे एक रेलीगेट क्यों नहीं करा जाए। साथ ही साथ उसने ऐसा बोला था कि मेरे जो केस था उसका सुनवाई करने के लिए आर्मी ऑफिसर्स ने एक ही बटालियन के लोगों को बिठाया था, एक्चुअली अलग अलग बटालियन के लोग आके इंक्वायरी करेंगे ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन एक ही बटालियन के लोग आके मेरी इंक्वायरी करते थे, तो इसके कारण मुझे बहुत ही तकलीफ का सामना उठाना पड़ा। 2020 आया तो भी वो कमीशन्ड ऑफिसर नहीं बन पाया। लेकिन जब हाईकोर्ट ने सारी चीजें चेक करी तो हाईकोर्ट को नजर आया कि ये सब चीजें है ये एक्चुअली ऐसी है ही नहीं है। हाईकोर्ट ने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक किए तो हाईकोर्ट ने ऐसा बोला कि रिकॉर्ड जो बने हैं तो वो सारे के सारे जो है वो आईएमए ने अपने जो कायदे है HQARTRAC के कायदे है उसके हिसाब से रेलीगेशन लगाए हैं और उसके ऊपर विड्रॉवल्स किए हैं। जो भी ऑनर कोड जो भी क्वेश्चन किए गए थे कि आप
एक ही बटालियन के लोगों को बिठा के इंक्वायरी करते थे, तो वैसा नहीं था। उसके जो इंक्वायरीज होते थे वो फेयरली होते थे, प्रोसीडिंग्स फेयरली होते थे और डिसीजन भी फेयरली होते थे। अलग अलग बटालियन के लोग आते थे उसमें इंक्वायरी के टाइम, सारे के सारे रिकॉर्ड आईएमए के पास मौजूद थे। तो हाईकोर्ट को फाइनली ये समझ में आया था कि जो पापा थे उनका जो सपना था वो सपना पूरा करने के लिए बेटा जो है वो पापा का जो सपना है वो पूरा करने के लिए बेटा आर्मी में आया है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा था कि बेटे के जो पापा है वो एक्चुअली कर्नल है, और उन्होंने ऐसा बोला था कि मेरे बेटे का जो एप्लीकेशन है वो आप लीनियंटली कंसिडर करो, क्योंकि मेरे फैमिली में 4 जनरेशन है वो सारे के सारे इंडियन आर्मी में गए हुए हैं, तो इसके लिए बेटे को सिंपत्ति दो, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन ये फादर की एम्बिशन नहीं थी, ऐसा हाईकोर्ट को नजर आया और हाईकोर्ट ने बोला कि ये कमीशन ऑफिसर बनना है ये फादर की एम्बिशन थी, बेटे को बनना नहीं था। बेटे का देश पे प्रेम है लेकिन बेटे को आर्मी में नहीं जाना था, कमीशन ऑफिसर नहीं बनना था। मतलब यहां पे हमें ये केस के तहत हमें एक ही कंक्लूजन मिलता है कि अगर बेटा जो है उसको जो भी करना है चीजें वो करने दो, ऐसा ना हो जाए कि उसके इसमें साल ना बर्बाद हो जाए। यहां हमें नजर आ रहा है कि बेटे के 2 साल बर्बाद हो गए थे, ये आर्मी में आईएमए में 2 साल बर्बाद हो गए थे। बस उसका अब नॉलेज उसको आगे काम आया तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बेटा वो आर्मी में था, आईएमए में था, तो वो अपना फिटनेस नहीं मेंटेन कर पा रहा था। आर्मी ऑफिसर्स उसका जो वजन बढ़ गया था उसके कारण उसको घड़ी घड़ी पनिशमेंट करते थे। उसको घड़ी घड़ी पनिशमेंट इसलिए होता था क्योंकि वो रूम में सोता रहता था और बीमारी का बहाना देता था, इस कारण उसको घड़ी घड़ी पनिशमेंट होते थे। हाईकोर्ट ने ये सारी बातें है ये नोटिस करी है कि उसको मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ पे वो ध्यान नहीं दे रहा था, आराम करता था, उसका मन नहीं था, फिर भी उसको आर्मी में डाला गया था। ये सारी चीजों का ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट ने क्लोजली किया और पिटिशन है वो डिस्पोज किया। तो जब भी पापा का जो मन है वही बेटे का मन है ऐसा नहीं होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा ऐसा नहीं होता है, सीए का बेटा सीए बनेगा ऐसा भी नहीं होता है। तो आप अगर अपने बेटे को कोई एरिया में करियर के लिए डाल रहे हो तो पहले पूछो कि उसको एग्जैक्टली क्या करना है, उसकी चॉइस क्या है, उसके सपने क्या है वो देखो। अगर आपको वो बेटा नहीं ठीक से कन्वे कर पा रहा है तो वो कौन सा काम अच्छे से कर पा रहा है, कौन सा स्किल अच्छे से कर पा रहा है, क्या उसका मैथमेटिक्स अच्छा है, क्या क्या वो हिसाब किताब अच्छा रख पाता है क्या, इस पे आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बेटे का कौन सा लाइन है, अकॉर्डिंगली आप अपने बेटे का फ्यूचर जो है आप डिसाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप कोई चीज हासिल करे हो या फिर आप कोई चीज हासिल नहीं करे हो इसलिए बेटे को वो चीज हासिल करने के लिए मजबूर करना, ये बहुत ही गलत हो जाता है। ये केस से हमें यही एक इम्पॉर्टेंट सीख मिलती है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइट डे।